गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्याभारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का तीसरा कालांश प्रारंभ कर रहे हैं। पहले दो कालांशों में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हैं। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायालय है वो कौन कौन से लेख जारी करती है, कौन कौन सी जो है रिट जारी करती है। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान से प्राप्त हैं, और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो इसके लिए पांच प्रकार की जो रिटें जारी की जाती हैं, पाँच प्रकार के जिसको रिट या लेख बोलते हैं, और ये पांच प्रकार की जो रिट हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। तो पांच प्रकार की रिटों का हम जिक्र करेंगे कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायपालिका है वो पांच प्रकार की रिटें जारी करता है, और ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो हम एक एक रिट का अब अध्ययन करेंगे। तो पहली रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या रिट जारी तब की जाती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय से अपील करता है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो उस अधिकारी के विरुद्ध न्यायपालिका रिट जारी करता है और ये कहता है कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय में उसको पेश किया जाता है और उस गिरफ्तारी का कारण भी पूछता है। यानी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उसको या न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, और न्यायाधीश उसको गिरफ्तार करने का कारण पूछेगा कि किस कारण से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और न्यायाधीश को ये लगता है कि व्यक्ति को गलत तरीके से या गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसको रिहा करने का आदेश जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली जो लेख है, रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर नज़दीकी जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक उसको जो है पुलिस प्रशासन या कोई भी अपने अंदर उसको जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख हुआ। दूसरी जो याचिका है ये रिट है, लेख है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब है कोई भी सार्वजनिक इकाई है या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, यदि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो न्यायालय आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें। अपने कर्तव्यों का पालन करने से संबंधित जो लेख जारी किया जाता है वो होता है प्रमादेश, क्योंकि जो भी अधिकारी होगा, जो भी सार्वजनिक इकाइयां हैं उन इकाइयों का काम है
लोगों की सेवा करना और जिस पद के लिए उनको चुना गया है उस पद के अनुसार कार्य करना। यदि ऐसा लगे कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका यह आदेश देती है, परम आदेश देती है कि आप अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करें। तो कर्तव्य का पालन करवाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। तो ये दूसरी प्रकार का लेख। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध सामान्य रूप से इसका मतलब होता है मना करना, और ये प्रतिषेध लेख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है और अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन अधीनस्थ न्यायालयों को ये कहता है, वहाँ उस अधीनस्थ न्यायालय में जो भी कोई मामला चल रहा है उस मामले के बारे में ये कहते हैं कि इस मामले के ऊपर जो आप सुनवाई कर रहे हो, इस मामले के ऊपर जो आप कार्रवाई कर रहे हो, ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये विषय आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसके ऊपर आप सुनवाई नहीं कर सकते हो, ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसको मना कर सकता है। उनको प्रतिषेध लेख के माध्यम से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश जारी किया जाता है कि अमुक जो मामला है, अमुक विषय है, इस अमुक विषय के ऊपर जो सुनवाई हो रही है, जो आपके यहाँ मामला चल रहा है, ये विषय आपके अधिकार क्षेत्र से जो है परे है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सुनवाई करना बंद करें क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तीसरा लेख है उत्प्रेषण लेख। यानी यहाँ ये कह दिया ऊपर वाले न्यायालय ने कि ये जो मामला है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इससे संबंधित अगला है कि ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वहाँ यदि कोई मामला चल रहा है और उस मामले को उससे जो ऊपर वाले जो न्यायालय हैं उत्प्रेषण, ऊपर के जो न्यायालय हैं वो उस मामले को, उस विषय को या उसके रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाने का जो अधिकार है वो कहलाता है उत्प्रेषण लेख। यानी जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अर्थात ये विशेषकर जो है हाई कोर्ट के लिए है कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के पास में, अधीनस्थ न्यायालयों के पास में जो भी मुकदमे हैं, जो भी कोई विवाद चल रहा है, मामला है, उस विवाद, उस मामले को जो है अपने पास मंगवा सकता है, अपने पास मंगवाने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी करता है। तो ये अधिकार प्रथा, ये उत्प्रेषण लेख जो अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर के न्यायालयों में जो है मामले को मंगवाया जाता है। पांचवा अधिकार प्रथा। अधिकार प्रथा का मतलब है कि जब कोई अधिकारी गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से कोई पद प्राप्त कर लेता है, किसी पद के ऊपर काबिज हो जाता है और ऐसा लगे न्यायालय को कि इस व्यक्ति ने असंवैधानिक रूप से इस पद के ऊपर जो है इसने कब्जा किया है, इस पद को प्राप्त किया है, तो न्यायालय इस लेख के माध्यम से पूछता है कि आपने जो ये पद प्राप्त किया है ये किस आधार पर पद प्राप्त किया है, और यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसने गलत तरीके से इस पद को प्राप्त किया है तो न्यायपालिका उस व्यक्ति को उसके पद से हटा भी सकती है। तो इस तरह से मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय पांच प्रकार के लेख जारी करता है
पांच प्रकार की रिट जारी करता है और ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये लेख जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये लेख जारी करता है। तो पहला है बंदी प्रतीक्षीकरण लेख, यानी बंदी बनाई गई व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा। दूसरा है प्रमादेश, यदि कोई अधिकारी कोई जो है व्यक्ति या सार्वजनिक इकाई जो काम उसको सौंपा गया है, जो पद उसको दिया गया है, उस पद का जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य का वो निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो प्रमादेश लेख के माध्यम से कहा जाएगा कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब यानी एक तरह से मना करना कि जो ऊपरी न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी कोई मामला चल रहा है उस मामले के बारे में कह सकते हैं कि ये जो विषय है ये विषय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आप इस मामले के ऊपर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर सकते। और उत्प्रेषण लेख के माध्यम से उस मामले को अर्थात नीचे वाले न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं वो ऊपर वाला न्यायालय उसको जो है अपने पास में मंगा सकता है। और अधिकार प्रचार यानी कोई भी व्यक्ति जो गलत तरीके से गैर कानूनी रूप से जिसने पद को प्राप्त कर लिया है, किसी पद के ऊपर वो निर्वाचित हो गया है, तो न्यायपालिका उसको अधिकार प्रचार के तहत ये पूछ सकता है कि आपने जो पद प्राप्त किया है ये किस आधार पर पद प्राप्त किया है, और न्यायालय को लगे कि इसने गैर कानूनी रूप से पद को प्राप्त किया है तो ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया भी जा सकता है। तो ये पांच तरह की जो है रिटें जारी की जाती हैं। अब उसके बाद में है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान प्रदत्त हैं, इतनी जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिटें भी पांच प्रकार की जारी की जाती हैं। मनुष्यों को छूट भी बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन फिर भी मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचना की गई है। मूल अधिकारों की हम पढ़ेंगे अब आलोचना। मूल अधिकारों की आलोचना, मौलिक अधिकारों की आलोचना यानी इतनी विशेषता होने के बाद में फिर भी मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है। और पहली आलोचना ये कहकर की गई है कि इसमें प्रतिबंधों की अधिकता है, प्रतिबंधों की अधिकता। मूल अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं, इसके हनन पर हम जो है न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों को सरकार या कोई भी संस्था इनको कम नहीं कर सकती है, व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं। लेकिन आलोचना के तौर पर ये कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि हमारा संविधान एक हाथ से हमें अधिकार देता है और दूसरे हाथ से उन अधिकारों के ऊपर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। यानी एक हाथ से संविधान हमें अधिकार दे रहा है और दूसरे हाथ से जो है अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, अर्थात हमें जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के साथ साथ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि सामाजिक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं, उन अधिकारों के साथ साथ उतनी क्या है, प्रतिबंधता है, उसमें पूर्ण रूप से जो है अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई। तो ये कहकर जो है पहली आलोचना की गई है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंधों की क्या है, अधिकता है, और प्रतिबंधों की अधिकता होने के कारण मौलिक अधिकारों के ऊपर संविधान एक हाथ से जो है अधिकार दे रहा है और दूसरे हाथ से अधिकारों को छीन रहा है, ये कहकर अधिकारों की मौलिक अधिकारों की
पहले आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना है व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका की व्यवस्थापिका की निरंकुशता व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा करने में व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा करने में असमर्थ यानी जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार की दूसरी ये आलोचना की गई कि हमारी जो संसद है संसद और जो विधानमंडल विधानसभाएं हैं वो विधानसभाएं कुछ ऐसे कानून बना देती हैं जिससे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के वो प्रतिकूल होते हैं, मौलिक अधिकारों के जो है अनुकूल नहीं होते हैं। तो हमारी जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका कई बार हमें देखने को मिला है कि वो एक निरंकुश हो जाती है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यवस्थापिका के ऊपर अंकुश लगाने के अंदर पूर्ण रूप से जो है समर्थ नहीं है। विधानसभा और हमारी जो संसद है वो संसद मौलिक अधिकारों के जो है प्रतिकूल कानून बनाने से ये सिद्ध होता है कि हमारी जो व्यवस्थापिका है वो हमारी व्यवस्थापिका भी एक निरंकुशता से जो है सुरक्षा करने में जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो समर्थ नहीं, क्योंकि ये निरंकुशता किसकी, व्यवस्थापिका का मतलब संसद और विधान जो सभाएं हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा पाते हैं। ठीक ढंग से अंकुश नहीं लगा पाने के कारण ये कहकर आलोचना की जाती है कि इससे हमें मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तीसरी विशेष विशेष आरक्षण की व्यवस्था का प्रयोग विशेष आरक्षण की व्यवस्था का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति हेतु यानी हमारे संविधान के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष जो पिछड़े वर्ग हैं उन वर्गों के लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी आरंभ में, वो जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए था। 10 वर्ष के लिए उनको आरक्षण दिया गया था कि इनकी समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक आधार पर स्थिति जो है कमज़ोर है, इसलिए समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण का आरंभ में जो प्रारंभ किया गया था वो 10 वर्ष के लिए किया गया था। लेकिन इसके बाद में बारी बारी से इस आरक्षण को आगे बढ़ाया गया और बढ़ाया ही नहीं गया बल्कि आरक्षण के ऊपर जो है अपना वोट बैंक साधने के लिए उस वर्ग विशेष को अपने राजनीतिक दल के अंदर अपने वोटों को बुनाने के लिए जो है इस प्रकार का जो है एक राजनीतिकरण किया जाता है आरक्षण को लेकर। तो विशेष आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसका प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। तो आरक्षण के विषय में भी जो है इस तरह का जो ये राजनीतिकरण किया जाता है तो ये भी मौलिक अधिकारों की जो है आलोचना है, क्योंकि जब एक संविधान है, एक देश एक संविधान, तो ऐसी स्थिति में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था दी गई है ये हमारे संविधान से मेल नहीं खाती है, क्योंकि एक देश एक विधान, तो एक विधान के अंदर इस तरह का जो भेदभाव होता है वो संविधान से मेल नहीं खाता है। लेकिन
इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक वोट बैंक की राजनीति के लिए की गई है। उसके बाद में अगली इसकी आलोचना है, चौथी आलोचना है न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया लंबी जटिल एवं खर्चीली। खर्चीली है यानी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, जटिल है और खर्चीली है। यानी जब व्यक्ति की को किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है या अपने अधिकारों का हनन हो जाता है तो उसके लिए न्यायालय का जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, न्यायालय की शरण में जब व्यक्ति जाता है तो वो न्यायिक प्रक्रिया आने के अंदर काफ़ी जो है समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं और हर व्यक्ति इस न्यायिक प्रक्रिया से जो है इतना जानकार भी नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि न्यायालय के अंदर जाना, वहाँ जो है रिट लगाना, वकील करना, और जब वो वकील करते हैं तो उस वकील को एक बड़ी मात्रा के अंदर उनको जो है रकम देनी पड़ती है, उसका खर्चा देना पड़ता है, तो वो काफ़ी खर्चीली है, आने जाने में समय व्यतीत होता है और उसका ध्यान अन्य कामों से भटक जाता है। इसलिए हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है ये न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। कई बार हमने सुना है कि जब व्यक्ति संसार से चला जाता है उसके बाद में जो है फैसले आते हैं, तो इस प्रकार से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, जटिल है और खर्चीली होने के कारण ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है कि ये व्यवस्था आम व्यक्ति की पहुंच से दूर है। इससे आम व्यक्ति जो है इस प्रकार की शासन, इस प्रकार की व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए वह अनजान है और शासन व्यवस्था में इतनी लंबी प्रक्रिया होने के कारण, जटिल होने के कारण और खर्चीली होने के कारण वो नहीं ले पाता। उसके बाद में पांचवी निवारक, निवारक नज़रबंद, निवारक नज़रबंद। निवारक नज़रबंदी का मतलब है कि यह एक अपराध के लिए सज़ा नहीं है बल्कि अपराध को रोकने की एक प्रक्रिया है। यदि सरकार को ऐसा लगे, राज्य को ऐसा लगे कि जो अमुक व्यक्ति है, इस अमुक व्यक्ति से राज्य में अशांति हो सकती है, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, बिना किसी पूर्व सूचना के उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर सकती है, तो इसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की पांच तरह से ये आलोचनाएँ की जाती हैं। पहली आलोचना कि प्रतिबंधों की अधिकता, कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो एक हाशिए में अधिकार देता है और दूसरे हाशिए अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, छीनता है, इसलिए प्रतिबंध अधिक हैं, इसलिए ये कहकर आलोचना की जाती है। दूसरा, व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा करने में असमर्थ, अर्थात हमारी संसद और जो विधानसभाएं हैं वो इस तरह का जो है कानून बना देते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल होते हैं। इसके साथ साथ तीसरी आलोचना है विशेष आरक्षण की व्यवस्था का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है, क्योंकि एक देश एक संविधान और समानता का अधिकार ये कहता है कि इस प्रकार से जब आरक्षण की ये व्यवस्था है तो इस संविधान के अंदर, संविधान के मूल ढांचे से मेल नहीं खाती है, इसलिए जो आरंभ में 10 वर्षों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लेकिन आने वाली सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए इस आरक्षण को जो है बददस्तूर जारी रखा। इसके बाद में है चौथी आलोचना है न्यायिक प्रक्रिया लंबी है, जटिल है और खर्चीली है। यानी व्यक्ति के जब अधिकारों का हनन होता है
तो जब वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाता है, न्यायालय की शरण लेता है, तो उस न्यायालय का फैसला आने में काफ़ी समय लग जाता है और न्यायिक प्रक्रिया भी जटिल है और काफ़ी खर्चीली है, इसलिए आम व्यक्ति से परे है। और पांचवी है निवारक नज़रबंदी, यानी ये एक अपराध को रोकने का एक तरीका है कि जब राज्य को ऐसा लगे कि इस अमुक व्यक्ति राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, इससे राज्य की जो है शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित पांच प्रकार की क्या हुई आलोचना। तो ये जो अपना मौलिक अधिकारों का जो अध्याय था, टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। धन्यवाद।